हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ग्रामीण परिवेश का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? जल्दी बताइए। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों चौथा स्थान है। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से बताओ ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राजस्व विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता कौन होता है? बिल्कुल जमीनी लेवल पे कौन होता है? बिल्कुल ठीक है, लेखपाल होता है। लेखपाल से ऊपर होता है कानून गो, उसके ऊपर होता है फिर तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन फिलहाल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सही आंसर हो जाएगा आपका लेखपाल के द्वारा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्न उत्तर प्रदेश में पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? बहुत बेहतरीन सेट है आज का, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखना इस सेट में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा 33%। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामीण परिवेश की क्लास ले रहा हूँ सुबह 9 बजे, और हिंदी की फ्री क्लास, दोनों ही फ्री हैं। हिंदी की फ्री क्लास ले रहा हूँ सुबह 10:30 बजे, है ना, और दोनों ही क्लास बिल्कुल फ्री हैं। और मैं आप लोगों से ये डायरेक्टली बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद ना आए तो आप लोग जितना हो सके उतना डिसलाइक कर देना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में जरूर आओ, क्योंकि मेरा वादा भी है, एक बार जो क्लास में आएगा ना वो क्लास से कभी जाएगा नहीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप जब फर्स्ट टाइम अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड है इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस। यहाँ पर स्पेस है तो आप स्पेस हटा दीजिएगा, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल एक साथ लिख देना है इंडियन स्टडी, तो क्लास जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता दी। लेखपाल के लिए हिंदी की ग्रामीण परिवेश की सभी की क्लास जो है बिल्कुल फ्री चल रही है। यूपीएसआई में मैंने कई बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ है, एक बार आप क्लास में आएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएसआई में सिलेक्शन लिए बैठे हैं, तो वहां से आपको खुद मोटिवेशन फील होगा, है ना। कई बच्चे मैंने अनअकैडमी से यूपीएसआई में सिलेक्ट करवाए हैं, तो एक बार आप आओ तो वहां पर आपको पता चलेगा हिंदी में बच्चों के यूपीएसआई में 40 में से 37-37 नंबर जो है वो आए हैं मैक्सिमम। तो एक बार जरूर से आइएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने देख लीजिए कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र में कब शुरू किया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 2014 में। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? जल्दी से बताएं। अवरोही क्रम बड़े से छोटा, सबसे पहले वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। स्प्रिट व शराब उद्योग का उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र कौन सा है? जल्दी बताएं। स्प्रिट व शराब उद्योग का उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र, सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद व उन्नाव। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम मंदिर भूमि पूजन अयोध्या में 5 अगस्त 2020 किसने किया? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरा ऑप्शंस करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? जल्दी बताएं। तो कौन नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका तहसीलदार। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा की स्थिति किस मामले में सर्वोच्च होती है? जल्दी से बताएं। विधानसभा की स्थिति किस मामले में सर्वोच्च होती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? धन विधेयक के मामले में पहला ऑप्शन करेक्ट।
उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? तो ये 8 मार्च 1952 को हुआ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला बना, कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताओ। कर्मा मथुरा दिया हुआ है, ये सुमेलित नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या कितनी है? बेसिकली उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आपसे पूछा है। 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, जल्दी से बताओ। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, ये गलत है। कहाँ पर है ये सही? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लखनऊ योजना का संबंध किससे है, जल्दी बताओ। सड़कों के विकास से है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक जोड़ता है किसको? प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बाबा रामचंद्र किसान नेता ने किसानों को संगठित किया था? अवध में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लूटिन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा में पंचायती राज की भूमिका पर चर्चा कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1948 से 1949। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य की पहचान कीजिए, जो असत है जो गलत है वही आपको बताना है। एक क्षेत्र दिया हुआ है और उसके लोक संगीत दिए हुए हैं, कौन सा क्षेत्र उस लोक संगीत से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। रुहेलखंड के लिए नटका, ये गलत है। तो यहाँ पर नकटा है, नॉट नटका, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। असत युग्म की यहाँ पर भी आपको पहचान करना है तो जल्दी से बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। खनिज और उनसे संबंधित जनपद दिए हुए हैं, कौन सा खनिज कौन से जनपद से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 ग्रामीण परिवेश के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा कल। जय हिंद, जय भारत।